मुनिराज जो यहाँ पे कानून व्यवस्था अपराध नियंत्रण के उत्तरदायी रोल में महत्वपूर्ण भूमिका पे है, हमारे एसपी सिटी निपुण, एसपी आरए नीरज और एसपी क्राइम दीक्षा और उसकी पूरी टीम, सबको बधाई दूंगा, उनका उत्साहवर्धन करूंगा कि पूरी एक बहुत चुनौतीपूर्ण बैंक रूप टू अप्रैल जिसमें लगभग टाइम सा केस था और एक कई तरह की बात में अपने सारे लोगों के मत कम से कम समय में जितना का अनावरण किया है उस घटना में कुल मिलाकर के सात अभियुक्त प्रत्यक्ष परोक्ष उसमें चार लोगों के द्वारा घटना साबित की गई है, गिरफ्तारी और पुलिस एक्शन की कार्रवाई। क्या एक मिनट, बस एक मिनट रुक तो, एक मिनट बस एक क्लिक करने के लिए घटना जल्दी, हाँ एक मिनट बढ़ा के लिए एक अभियुक्त तो हटा तो मैं करूँ उसकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम बोर्ड में है और हमारे पास कार्रवाई हो रही है। मैं आश्वस्त को भी बहुत जल्दी जल्दी कार्रवाई करके घटना में जो भी पैसा गया है कार्रवाई करेगी। इस पूरे प्रोसेस में महत्वपूर्ण बात ये थी, अबे नितिन कसम दे यार, जितने अभियुक्त है इनकी इसके पहले कोई क्रिमिनल हिस्ट्री प्रकाश में नहीं है, ये डिफरेंट तरह से डिलीवरी बॉयज के रूप में काम कर रहे हैं और उसके बाद अचानक उनके दिमाग में ये ख्याल आता है और अपने साथियों के बीच बैठ करके ही अपनी चेष्टा करते हैं। क्या एक मिनट, बस एक मिनट रुक तो, एक मिनट बस एक क्लिक कर लिए रेप भी करते हैं अब बढ़ जाए जल्दी, हाँ एक मिनट बढ़ा के लिए पूछताछ की बात अब तो हटे तो मैं करूँ अच्छा नहीं थी और राष्ट्रीय बैंक तो हमको लगा कि ये हमारे लिए सुविधाजनक होगा और कई सारे मौकों पर कई सारे चैलेंजेस कई सारी फंक्शनल स्वास्थ्य होते हैं उसके लगाई गई और सभी फीडबैक मुनिराज देखो टाइम ये सारे लोग पूरी टीम लगातार और इसका परिणाम यह था कि टाइम से आवरण किया गया है जो कैश है उसकी और उसके साथ हम लोग अब पुलिस कस्टडी रिमांड में लेकर के अग्रेतर डायमेंशन पर कार्रवाई कर इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक बढ़ा के लिए समय पर संबंधित बैंक को बताने के बाद अब तो हटे तो मैं करूँ जो उपेक्षा की गई है उसमें संबंधित कार्रवाई अलग से की जाएगी। पहली प्राथमिकता हमारी ये थी कि अपराधियों को दूर कर सर्वोत्तम कार्रवाई और ये न्यू कवर्स में क्राइम करने की ट्रेन किसी तरह से ना आ सके उनके गार्जियंस और इनके जो भी इनके लोग हैं उन पर भी उनका पूरा जितने इस तरह की पैसा प्राप्त करने की जो ये स्पीड डेस्ट टाइम है उस पर नितिन कसम दे यार हमको सवाल चल रहा था इस पर भी हम लोग इसके आगे से करने की कोशिश के माध्यम से इसके बारे में करते रहेंगे। इसके अतिरिक्त कुछ दिन पहले पेट्रोल पंप व्यापारी के कर्मचारियों के साथ उसमें पहले बहुत सराहनीय कार्य किया गया था, आप लोग जानते हैं 10 लाख रुपए की उसमें रिकवरी उसी में एस पी आर एज और के द्वारा बहुत मेहनत से प्रोफेशनलिज्म के माध्यम से कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया है, साहसिक पुलिस कार्रवाई उसमें हुई है। ऐसे अपराधी जिसके खिलाफ 16 मुकदमे गिरफ्तार किया गया है और उसके साथ रिकवरी जिसमें 22 लाख रुपये अब तक 17 लाख रुपए की रिकवरी हो चुकी है
एक अभियुक्त अभी बाकी है और एक जो PCR तो पूरे इसका अनावरण तो खत्म तौर पर पहले हो गया था जिसको आपको पता होगा इसके अलावा जो मैंने आपको तीन इम्पोर्टेंट टेक अवेज बताए जो डिलीवरी बॉयज हैं इन पर इनका इनका एंटीसीडेंट जो किराएदार हैं इनका एंटी इनको देखना हो जो हमारे एम्प्लॉइज हैं किसी फेक नाम से आकर के कार्रवाई ना करें और प्लस जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जो गवर्नमेंट की और हमारी इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन की जो एडवाइजरीज हैं उनको समय पर तरीके से सहयोग हम लोग मिलकर निश्चित तौर पर गौर करें घटनाओं के प्रिवेंशन को रे करके अभी हाल ही में पूरी टीम ने बहुत बेहतर तरीके से कार्य किया है। आपने ये देखा होगा कि हमारे कुछ क्राइम खासतौर से ये जो पेट्रोल पंप के व्यवसायी के साथ हुआ है 34 मुकदमे वाले व्यक्ति के द्वारा किया गया। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। 20 से ज़्यादा बार उसको माननीय न्यायपालिका से बेल कैसे प्राप्त हुए हम इसमें अनुसंधान करा रहे हैं किन परिस्थितियों में क्रिमिनल हिस्सों के बाद बेल हुई है और हम क्यों नहीं उस समय पर बेल अपोजिशन या बेल निरस्तीकरण के लिए माननीय उच्च न्यायालय में गए ये समस्त लीगल एस्पेक्ट हैं उस पर भी हमारी टीम काम कर रही है ताकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो मनसा है इस तरह के लोग लंबे लंबे मुकदमों वाले लोग आसानी से जमानत न प्राप्त हो रही है ये हमारे लिए अपने पक्ष को सुदृढ़ करते हुए इसको मॉनिटरिंग सेल के समक्ष की चीजों को रखेंगे और हर स्तर पर उसको सुनिश्चित कराएंगे। ऐसे कुख्यात अपराधी जिनको भी बड़ी मुश्किल से 15-15 बार जेल में भेजा जाए बार बार उनको बार बार घुमाए एक मिनट जल्दी एक के लिए अब तू हटे तो मैं करूँ शायद बेटी करते हैं घटना के दोनों पहले बाहर जाकर जैसे जब इसे पूछताछ हुई तो ये बात उन्होंने बताई कि बैंक में कोई सुरक्षा नहीं थी और ये राष्ट्रीय को बताए थे तो हमको लगा कि ये हमारे लिए सुविधाजनक होगा और पूरी पुलिस टीम ने कई सारे मौकों पर कई सारे चैलेंजेस कई सारी बताई गई और सभी की फीडबैक मुनिराज रिपोर्ट एसपी क्राइम ये सारे लोग जो है उस पर लगातार कार्य करते हैं और उनका प्रभाव जो था टाइम से इस पर कैश है उसकी रिकवरी हुई है और उनके साथ ही अभी हम लोग अब पुलिस कस्टडी रिमांड में लेकर के कार्रवाई करेंगे। इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सर्टन गाइडलाइंस के होने के बाद लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के द्वारा समय समय पर संबंधित बैंक को बताने के बाद भी जो उपेक्षा की गई है उसमें संबंधित के खिलाफ लीगल प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई अलग से की जाएगी। पहली कार्रवाई और ये न्यू कमर्स में क्राइम करने की ट्रेन किसी तरह से ना आ सके उनके गार्जियंस और उनके जो भी उनके लोग हैं उन पर भी उनका पूरा एक मिनट बस एक मिनट रुक तो एक शॉर्ट कट के बाद जल्दी एक मिनट बस के लिए क्राइम करता है इस पर हटे तो मैं करूँ इस पर भी हम लोग आगे से रोटी पुलिस के बाद करते रहेंगे। इसके अतिरिक्त कुछ दिन पहले पेट्रोल पंप व्यापारी के कर्मचारियों के साथ उसमें पहले बहुत सराहनीय कार्य किया गया था आप लोग जानते हैं 10 लाख रुपये की उसमें रिकवरी हो चुकी है। उसी में PCR जो द्वारा बहुत मेहनत से प्रोफेशनलिज्म के माध्यम से एक कुख्यात अपराधी गिरफ्तार किया है साहसिक पुलिस कार्रवाई उसमें हुई है। ऐसे अपराधी जिसके खिलाफ 16 मुकदमे ऑलरेडी थे उसे गिरफ्तार किया गया है और उसके साथ रिकवरी पूरे एक अभियुक्त अभी बाकी है और एक PCR